आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 27 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। क्या कहता है सेक्शन 27, आइए समझते हैं। एज पर सेक्शन 27 ये कहता है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन कपल्ड विथ ट्रांसफर टू अनदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं मिस्टर बी को एक कंडीशन इंपोज करते हुए और कहते हैं कि अगर मिस्टर बी इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने में फेल कर जाते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी थर्ड पर्सन सपोज मिस्टर सी को चली जाएगी। अब क्योंकि हम सेक्शन 25 से लेकर के 34 तक जितने भी प्रोविजंस पढ़ेंगे वो कंडीशनल ट्रांसफर पे बेस्ड होंगे। क्योंकि सेक्शन 25, 26 और 29 आपस में रिलेटेड सेक्शंस थे इसलिए हमने इन्हें एक साथ पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम केवल सेक्शन 27 पे ध्यान देंगे। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, यानी कह रहा है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन, यानी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वो एक कंडीशन पे बेस्ड है। फिर कह रहा है कपल्ड विथ, मतलब लिंक्ड विथ, इट इज रिलेटेड विथ। कह रहा है ट्रांसफर टू अनदर यानी मिस्टर सी ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, यानी अगर मिस्टर बी इस प्रायर कंडीशन को फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं तो ये क्या होगा, मिस्टर सी को चला जाएगा। ऑलराइट, यही कहता है आपका सेक्शन 27। सेक्शन 27 को हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ये एक जनरल प्रिंसिपल है इंग्लिश लॉ का जिसके तहत सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट, आप देखो कि यहां पे पहले इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है मिस्टर बी के फेवर में, फिर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है मिस्टर सी के फेवर में। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को नोटिस करें, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन में देर आर टू ट्रांसफरी, दो ट्रांसफरी होते हैं, और अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल कर जाता है किसी भी वजह से तो जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होती है। यानी इट इज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन इंग्लिश लॉ का एक जनरल प्रिंसिपल है जिसके अनुसार सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है सेम ट्रांजेक्शन जो कि इफेक्ट में आता है विच शैल टेक इफेक्ट इमीडिएटली अपॉन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। ऑलराइट, ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं और चीजों को और भी ज्यादा क्लियर करते हैं। अगर एग्जाम में आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन पूछा जाता है तो आप केवल इतनी बातों को जो यहां पे लिखा गया है आप अगर लिख देते हो तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर करता है 500 रुपीज मिस्टर बी को ऑन अ कंडीशन, इस कंडीशन पे दैट कह रहा है बी यानी ये मिस्टर बी शैल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज, बी को क्या करना है एक सर्टेन लीज एग्जीक्यूट करना है विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर आफ्टर एज डेथ। यानी ए सपोज अगर मर जाता है तो उसके मरने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर मिस्टर बी लीज एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 500 रुपीज इनको चला जाएगा। यही कंडीशन है, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज प्रायर डिस्पोजिशन यानी प्रायर वैलिड इंटरेस्ट, प्रायर वैलिड कंडीशन। और यदि इफ ही इग्नोर, यदि मिस्टर बी इग्नोर करते हैं या फेल कर जाते हैं इस
प्रायर डिस्पोजिशन को फुलफिल करने में ट्रांसफर विल बी मेड टू सी, जो ट्रांसफर है वो मिस्टर सी को चला जाएगा जो कि क्या है थर्ड पार्टी के। अब आगे कह रहे हैं मान लो बी डाइज ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम। अब सपोज करो ए अभी जिंदा है, ए के जीते जी बी मर जाता है, यानी बी डाइज बिफोर ए, ए से पहले ही बी डाइज कर जाता है, मर जाता है। तो क्या ऐसे कंडीशन में जो ट्रांसफर है वो सी के फेवर में होगा? यस, वो सी के फेवर में होगा। कैसे होगा उसे समझते हैं। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन की कुछ बेसिक बातें, टू ट्रांसफर ही, दो ट्रांसफर ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होगा अल्टीरियर डिस्पोजिशन टेक्स प्लेस। अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट आफ्टर फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। प्रायर डिस्पोजिशन का मतलब है प्रायर वैलिड कंडीशन। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखें तो प्रायर वैलिड इंटरेस्ट या प्रायर वैलिड कंडीशन क्या है, प्रायर वैलिड कंडीशन ये है कि अगर मिस्टर ए एक्सपायर कर जाते हैं तो इनके मरने के विद इन थ्री मंथ्स, तीन महीने के अंदर अंदर मिस्टर बी को एक लीज एग्जीक्यूट करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड प्रायर वैलिड कंडीशन। और अगर मिस्टर बी फेल कर जाते हैं तो ट्रांसफर होगा 500 रुपीस का मिस्टर सी के फेवर में। यानी जो फेलियर है प्रायर डिस्पोजिशन का इट इज नेसेसरी। तो यहां पे फेल हो गया, तो जैसे ही प्रायर डिस्पोजिशन फेल होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन के तहत जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली थर्ड मेंशन पार्टी को चला जाता है, क्लियर। अब देखो नोट करने वाली बात यहां पे क्या है, अब मान लो अगर मिस्टर ए ने ये कहा रहता कि अगर प्रायर डिस्पोजिशन यानी प्रायर वैलिड कंडीशन इस पर्टिकुलर मैनर में फेल करता है, यानी अगर यहां पे उन्होंने इंटेंशन जाहिर किया रहता कि अगर प्रायर डिस्पोजिशन इसी पर्टिकुलर मैनर में फेल होता है तभी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होगी थर्ड पर्सन को। यानी अगर उन्होंने अपना इंटेंशन जाहिर किया रहता और अगर वो इंटेंशन उनका फुलफिल होता, यानी जो कंडीशन है वो उसी पर्टिकुलर मैनर में फेल होता, तभी जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पर्सन को जाती। इनकेस अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल कर जाता लेकिन उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, उनके इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं फेल होता, तो ऐसे कंडीशन में जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है यानी जो सेकेंडरी ट्रांसफर है वो इफेक्ट में नहीं आता, राइट। अब क्योंकि यहां पे इन्होंने अपना इंटेंशन नहीं जाहिर किया था, इन्होंने ये बात तो नहीं कही थी कि देखो इन्होंने सिंपल कहा था कि मेरे मरने के विद इन थ्री मंथ्स, अगर आप ये समझ लेते हो तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन है ये आपके लिए एकदम सिंपल हो जाए, ठीक है। इन्होंने ये कहा था कि मेरे मरने के विद इन थ्री मंथ्स अगर मिस्टर बी एक लीज क्रिएट कर लेते हैं तो ये जो 500 की जो वैल्यू है वो मिस्टर बी को चला जाएगा, अगर वो फेल कर जाते हैं तो मिस्टर सी को चला जाएगा। इन्होंने ये बात नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद भी अगर मिस्टर बी जिंदा रहते हैं और वो जीते जी भी अगर मेरे मरने के बाद अगर वो जिंदा रहते हैं और विद इन थ्री मंथ्स वो लीज नहीं क्रिएट कर पाते हैं तभी ये जो 500 वैल्यू है वो जाएगा मिस्टर सी को। यानी इन्होंने ये बात नहीं कहा था कि जो प्रायर डिस्पोजिशन होना है अगर वो फेल कर जाता है इस पर्टिकुलर मैनर में तभी अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आएगा। इसलिए अगर ट्रांसफरर ने अपना इंटेंशन जाहिर नहीं किया है
तो नो मैटर कैसे भी अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल कर जाता है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन यानी जो सेकेंडरी ट्रांसफर है वो इफेक्ट में आ जाएगा इमीडिएटली। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक केस है उसे हम समझ लेते हैं। देखो केस है अंडरवुड वर्सेस विंग। इस केस में क्या था, इस केस में यह था कि ए ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी बी को। बी कौन है, इनकी वाइफ है। ए अपने वाइफ बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और ये कंडीशन डालते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी सी को, प्रॉपर्टी जाएगी सी को इफ माय वाइफ डाइज ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। यानी उन्होंने कहा था अगर मेरी पत्नी मेरे जीते जी यानी मेरे जीते जी अगर मेरे मरने से पहले वो मर जाती है तो ही ये जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर सी को ट्रांसफर होगा। अब एक ऐसा इंसिडेंट होता है कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में मिस्टर ए और उनकी वाइफ मिस्टर बी दोनों ही चल बसते हैं और जो एक्सीडेंट होता है उससे ये बताना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन पहले मरा कौन बाद में मरा। यानी ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ए की वाइफ जो है मिस्टर मिसेस बी उनकी मृत्यु ए के मरने से पहले हुई। अब क्योंकि ये क्लियर नहीं था तो भले ही यहां पे फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन हुआ है लेकिन क्योंकि यहां पे मिस्टर ए ने अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया था कि मेरे मरने से पहले अगर मेरी वाइफ मरती है तो ही ये जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर सी को जाएगी, तो यहां पे फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन हुआ है। लेकिन जिस मैनर में मिस्टर ए ने कहा था उस मैनर में नहीं हुआ है, इसलिए जो प्रॉपर्टी है वो सी के इंटरेस्ट में नहीं जाएगी। राइट, यानी कहने की बात यह है कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट ओनली, यानी जो सेकेंडरी ट्रांसफर है वो इफेक्ट में तभी आएगा व्हेन प्रायर डिस्पोजिशन फेल्स इन पर्टिकुलर मैनर व्हिच हैज बीन मेंशन्ड बाय मिस्टर ए। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन ये कहता है सिंपल वर्ड्स में, अगर ट्रांसफरर ने ये कहा है कि जो प्रायर डिस्पोजिशन है यानी जो प्रायर कंडीशन है अगर वो इस पर्टिकुलर मैनर में फेल होता है तो ही जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड पार्टी के इफेक्ट में आएगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर मैनर में प्रायर डिस्पोजिशन के फेलियर को मेंशन नहीं किया है तो किसी भी अदर मैनर से अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल कर जाता है तो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहता है एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।